नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमेशा जैसे हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ, तो आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर ले लें। अपने हाथ आप चिन मुद्रा में जोड़ लें और ठुड्डी थोड़ी सी छाती की ओर, तो आपकी गर्दन सीधी हो जाए। आंख बंद करिए और अपने सांस को ऑब्जर्व करिए। आज का ध्यान एक ब्रीदिंग मेडिटेशन है, एक सांस द्वारा ध्यान। अपना फोकस आप अपने ब्रेथ में, सांस पे। सांस अंदर जा रही है और सांस नाक से निकल रही है। आपका पेट, आपकी छाती ऊपर जा रही है। आप बस ऑब्जर्व करें, मेंटली ऑब्जर्व करें और ये कोशिश करिए कि आपका मन जो है, जो अभी बाहर डिस्कनेक्ट हो चुका है, एक अंदर से हम लोग कनेक्शन कर लें कि जो प्लग है हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने फैमिली से, बच्चों से, काम से, और हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी सांस से, अपने शरीर से, अपने आत्मा से। यही होता है योग का मतलब, जोड़ना। जब हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। अब आप मेरे काउंटिंग के साथ सांस लें। इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4, एक्सहेल 1 2 3 4। लंबी गहरी सांस, अपने हाथ को जोड़ लें, ओम का उच्चारण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिओम तत्सत। आज का प्रोग्राम प्राणायाम पे है। प्राणायाम आज के कोविड काल में एक नेसेसिटी हो चुकी है। सबको अपनी जिंदगी में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग को। और प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो आपको, आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेथ को तो ट्रांसफॉर्म कर ही सकती है, पर प्राणायाम आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि प्राणायाम जैसी पावरफुल चीज़ कोई भी नहीं है। लोगों को लगता है कि चलिए हम लोग ध्यान करते हैं, परंतु ध्यान करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है और ध्यान के लिए आपको मन की काफ़ी स्थिरता को अपनाना पड़ता है और वो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर प्राणायाम एक ध्यान का पहला स्टेप है और प्राणायाम तुरंत आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में और मेडिटेशन के बेनिफिट्स दिलवा सकता है। तो प्राणायाम ध्यान से ज़्यादा सिंपल होता है और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं, इसके मेंटल बेनिफिट्स हैं और इसके स्पिरिचुअल तो बेनिफिट्स हैं।
तो वो क्या क्या प्राणायाम को करना चाहिए? बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, पर आपको कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और प्राणायाम का मतलब ही क्या होता है? प्राणायाम जो है दो शब्दों का एक जुड़ा हुआ शब्द है, प्राणा और यमा। इसका मतलब कि हम जो हमारे शरीर का प्राण होता है इसको हम कंट्रोल करते हैं, और जब ये प्राण को हम कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेथ के साथ, हमारे सांस के साथ, तो हम अपने माइंड को, हमारे मेंटल ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो फिर हमारी लाइफ हमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये तो एक बहुत सिंपल फॉर्मूला हुआ, आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल करें तो आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है, जब आपका माइंड कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। प्राण बढ़ाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप अगर धूप में जाएंगे तो आपका प्राण बनेगा, आप अगर अच्छा खाना खाएंगे जो ताज़ा खाना होता है आपका प्राण बढ़ता है, आप अगर खुश होते हैं तो आपका प्राण बढ़ता है। परंतु जो सबसे पावरफुल टेक्निक होती है प्राण को जागृत करने के लिए होती है वो होती है प्राणायाम। पर वो कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए, क्योंकि प्राणायाम भी बहुत अलग अलग किस्म के हैं। आज के एपिसोड में आपको मैं वो सिंपल प्राणायाम बताऊंगी जो आप रोज कर सकते हैं, और अगर आप प्राणायाम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी करें ये आपके माइंड को और आपकी लाइफ को एक बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिला सकता है। और फिर तो इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, आपकी लंग स्ट्रेंथनिंग, साइनस, एस्मा, कोविड काल में तो बहुत ही ज़रूरी है, और प्राणायाम का साइंटिफिक स्टडी किया गया है कि कोविड के सिम्टम्स को ये कम करता है और कोई एक्सटेंट तो कोविड को प्रिवेंट भी कर सकता है ये। तो आपको ये मेरी विनती है कि आप प्राणायाम करें। अगर आप इस शो से एक चीज़ सीखें ये होनी चाहिए कि मैं अपने ज़िंदगी में 5 मिनट का प्राणायाम रोज अपनाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे कपालभाति क्रिया के साथ। कपालभाति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है, इनफैक्ट काफ़ी लोग तो इसको प्राणायाम भी मान के लेते हैं, परंतु टेक्निकली योग शास्त्र के द्वारा कपालभाति एक क्रिया होती है, परंतु ये इतनी पावरफुल क्रिया है कि काफ़ी लोग इसको एक प्राणायाम तक मानते हैं। परंतु ये एक क्रिया है और आपके ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लेंस कर देती है। आपके जो लंग्स होते हैं उनमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अगर आप अपने लंग्स को खोलेंगे तो एक टेनिस कोर्ट के साइज़ के वो होंगे, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है लंग्स का। और ये लंग्स के अंदर एल्वोली होते हैं, छोटे छोटे जो फ्लावर्स टाइप के आप सोचिए जो होते हैं, और ये सब चिपक जाते हैं। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो जो एल्वोली है हम इनको खोलते हैं और हम अपने लंग्स को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये प्राणायाम के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है प्रिपेयर करने के लिए। पर कपालभाति को कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। आप पहले एक उंगली लीजिए, अपने नाक के नीचे डालिए और इस पर आप ज़ोर से सांस निकालें मुँह को बंद करते हुए। आप अगर ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्रेथ इन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। हम जब जोर से सांस निकालते हैं तो इनसाइड ब्रेथ जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। आप एक साइकिल पंप का एग्जांपल लीजिए, जब हम वो पंप को दबाते हैं तो वो हवा बाहर जाती है और वो खुद ही अंदर आती है ना। तो हमारे लंग्स के साथ भी यही होता है कपालभाति के द्वारा। इसमें ये ध्यान रखें कि इनहेलेशन ऑटोमेटिक होता है और जो एक्सहेलेशन होता है वो हम करते हैं पावरफुली। परंतु कपालभाति में ना तो आपकी छाती, ना तो आपके शोल्डर्स, ना तो आपका सिर, कुछ नहीं हिलना चाहिए। सिर्फ आपका लोअर एब्डोमेन यहाँ पे मूव हो रहा है आगे और पीछे। तो आप मुझको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति को ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है इसको, ये गलत होता है। आप मेरे को देखिए, मैं शांति से कर रही हूँ इसको। जो आवाज़ आ रही है वो बस मेरे नेक्स्ट टू लोगों को आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरे कमरे में सबको कपालभाति की आवाज़ आ रही हो। इसको धीमे से करना है, इसको ऐसे करना है कि आप काफ़ी समय के लिए इसको कर सकें। इसमें प्रेशर नहीं आना चाहिए आपके हार्ट पे या आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो ये होता है कपालभाति। इसकी शुरुआत आप 30 राउंड के साथ करिए। एक राउंड का मतलब
इनहेल एक्सहेल है ना, 30 बार इसके आप 3 राउंड करिए, 30 बार के बाद आप रेस्ट लें, 30 बार रेस्ट, 30 बार रेस्ट, और यही आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए, अगर फीमेल्स अपने पीरियड्स पे हों तो अवॉइड करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आपका बीपी हल्का सा ऊपर नीचे जाता है तो आप इसको थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। जो भी चीज़ हम अगर ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो ये हमको कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन नहीं लाएगा। अब हम आपको बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम, वो होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसका मतलब होता है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। इसमें हम लोग अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ इन लेते हैं, राइट से बाहर निकालते हैं, राइट से इन लेते हैं और फिर लेफ्ट से बाहर निकालते हैं, तो एक पूरा राउंड हो गया हमारे सिस्टम में। ये आपके ब्रेथ को, आपके माइंड को संतुलित करता है, बैलेंस लाता है, और जब आपकी ब्रेथ बैलेंस हो जाती है तो आपका माइंड बैलेंस हो जाता है, क्योंकि देखिए नाक के ऊपर क्या है, आपका ब्रेन, और ये होता है ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका कंट्रोल रूम होता है। तो ये यहाँ पे आपके पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है, आपके शरीर का, आपका ब्रेन का, आपकी लाइफ का। तो अगर ये बैलेंस में रहेगा, क्योंकि आपकी ब्रेथ बैलेंस में है, आपकी ब्रेथ इवन है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इतना सिंपल है ना। तो चलिए अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो अपने सीधे हाथ से आप विष्णु मुद्रा का अभ्यास करें। ये होता है विष्णु मुद्रा। आप अपने सीधे हाथ के मिडिल फिंगर और पॉइंटर फिंगर अपने पाम में ले आइए। तो ये हो गया आपका विष्णु मुद्रा। ये मुद्रा बहुत अच्छा होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए और संतुलन बैलेंस के लिए। आप अपना एल्बो जो है छाती के पास ले आएँ और अपने दोनों फिंगर्स आप अपने नोज़ पे डाल दें, और ज़ोर से नोज़ को मत दबाइए, बस हल्का सा टच होना चाहिए ये जो लाइन है उसके हल्के से ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं दिखना चाहिए मुझको, बस यहाँ पे आप अपने डालिए अपने फिंगर्स को, और ये एल्बो छाती की ओर, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, ठीक है, छाती की ओर, आपका लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा पे। अब आप अपने सीधे नॉस्ट्रल को हल्के से दबाएं और उल्टे से लेफ्ट से इनहेल करें, दोनों को बंद। आप अपने राइट को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल, दोनों को बंद, रिटेन, लेफ्ट को बंद, राइट से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट क्लोज्ड, रिटेन, एक्सहेल, लेफ्ट राइट क्लोज्ड, इनहेल, लेफ्ट राइट क्लोज्ड, रिटेन, एक्सहेल, राइट लेफ्ट क्लोज्ड, इनहेल, राइट लेफ्ट क्लोज्ड, एक्सहेल, लेफ्ट राइट क्लोज्ड। अब हम इसमें काउंटिंग लाएंगे, आप मेरे काउंटिंग के साथ करें, राइट को क्लोज्ड, इनहेल, लेफ्ट, 1 2 3 4, रिटेन, क्लोजिंग नॉस्ट्रल्स, 1 2 3 4, एक्सहेल, राइट, 1 2 3 4, इनहेल, राइट, 1 2 3 4, रिटेन, एक्सहेल, लेफ्ट, 1 2 3 4, इनहेल, लेफ्ट, 1 2 3 4, रिटेन, एक्सहेल, लेफ्ट, 1 2 3 4, इनहेल, राइट, 1 2 3 4, रिटेन, एक्सहेल, लेफ्ट, 1 2 3 4, हैंड डाउन,
आराम से आप सांस अंदर लें, इनहेल और एक्सहेल, पूरा मन बदल गया है अनुलोम विलोम के प्रैक्टिस से। अनुलोम विलोम एक बहुत लाभदायक और बहुत ही पावरफुल प्राणायाम होता है, आप इसको ज़रूर करें। देखिए, आपने अगर मेरे साथ किया तो एकदम से आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग अभी आ रही होगी, है ना। इसलिए अनुलोम विलोम एक सिंपल टेक्निक है जो मुझको लगता है हमारे जो एंशिएंट ऋषिज और गुरुज हुआ करते थे उनने आज के समय के लिए हमको दिया है। ये एक दवाई जैसे होती है, अगर आप अनुलोम विलोम कर लें तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, आस्थमा की प्रॉब्लम है, आप बार बार बीमार होते हैं कोल्ड एंड कफ से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के ज़िंदगी में, सबसे बड़ा कारण बीमारी का यही होता है, कॉफ, कोल्ड, फीवर, और ये सब हम लोग अनुलोम विलोम से मिटा सकते हैं। आपको अनुलोम विलोम रोज़ मिनिमम 3 से लेकर 5 मिनट के लिए करना है, और इसी से आप शुरुआत करें और देखें कि कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है। हमारा आखिरी प्राणायाम है भ्रमरी प्राणायाम। अभी तक मैंने आपको इतनी सिंपल चीज़ें बनाई हैं और अब मैं आपको भ्रमरी बताऊंगी जो भी बहुत सिंपल है। भ्रमरी कोविड काल के लिए सबसे ज़रूरी प्राणायाम है। इससे हमारे सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, और कोविड में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं। तो सिर्फ भ्रमरी प्राणायाम से आपके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके पैरानेजल साइनस कैविटी में बनती है और भ्रमरी प्राणायाम इसी को टारगेट करती है। ये कोविड की प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। आप ये सोचिए कि भ्रमरी प्राणायाम आपके लिए एक वैक्सीन है। तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। अपने 2 उंगलियाँ लीजिए और ये आपके कान का ये जो सॉफ्ट हिस्सा है इसको आप नीचे दबाएं। फिर आप अपने नोज के थ्रू इनहेल करेंगे और एक्सहेल में आप एक बम्बल बी, आप एक मधुमक्खी का आवाज बनाएंगे। इस आवाज को आप जोर से बनाएं, जितना ज्यादा जोर उतना ही अच्छा। सांस लें, कान को बंद, आपके वॉइस के लिए भी बहुत अच्छा है। भ्रमरी प्राणायाम सिंगर्स करते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ जो है सुनहरी होती है भ्रमरी प्राणायाम से। अभी हमने इसको 3 बार किया, आपको 5 से लेकर 10 बार रोज भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी वेलनेस टिप्स जो आप प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो होती है स्टीम। जब फर्स्ट वेव, जब हमारी कोविड की वेव्स आई थी तो हम स्टीम की बहुत बात करते थे और स्टीम करते भी थे, पर आजकल थोड़ा सा लोग स्टीम कम कर रहे हैं। पर स्टीम भी आप अपने लाइफ की अगर डेली हैबिट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी है। प्राणायाम के शुरुआत में अगर हम बस 3 मिनट का भी स्टीम ले लें तो आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उसमें आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। दूसरी चीज़ है जल नीति। जल नीति एक बहुत अच्छी क्रिया है, आप कोई अच्छे टीचर के साथ सीखें ये जल नीति। इसको हम आराम से घर में कर सकते हैं, खासकर अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉक नॉस्ट्रल होती हैं तो जल नीति जो है ये दूर कर सकती हैं। अगर आपको कॉफ होता है तो आपको जल नीति ज़रूर करना चाहिए, और जल नीति आपकी पीड़ा को डेफिनेटली हटाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी तो मुझको बार बार टॉन्सिलाइटिस होता रहता था और मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मैं इतना बीमार पड़ती थी, परंतु जब मैंने योग शुरू किया और जब मैंने जल नीति का अभ्यास किया तो सभी मेरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। तो ये मेरा भी उद्देश्य है कि जो मैंने अपनी खुद ही ज़िंदगी में अपनाया है,
जो मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और जो मैंने सॉल्व की हैं, वही चीज़ मैं सबको भी सिखा सकूंगी, क्योंकि जब मैंने ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी से दूर कर दी हैं, तो मुझको समझ में आया कि एक ब्रेथ की, एक सांस की क्या पावर होती है। हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमको लगता है कि चलिए एक स्पून आइसक्रीम की वाह मज़ा आ गया। अगर हम एक अच्छी क्लियर सांस लें, उसका मज़ा ही अलग होता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत ही गर्म दिन पे एक ठंडा ग्लास पानी का पीते हैं, उस टाइप का मज़ा आता है एक अच्छी लंबी क्लियर सांस के साथ। तो सबको वो इन्जॉयमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये सांस जो है, ये नाक जो है, ये सब आपकी है। तो आप इन टेक्निक्स को अगर अपनाएंगे, ये फ्री हैं, ये बेनिफिशियल हैं, इनकी कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये मेरी उम्मीद है कि आप ये टेक्निक्स और प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली बार ओम शांति ओम पर एक नए एपिसोड के साथ।